छत्तीसगढ़ की बाहरी पहचान एक माओवादी हिंसा से प्रभावित प्रदेश के रूप में है, लेकिन इस पहचान को तोड़ने के लिए राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ब्रिटिश, पाकिस्तान सहित देश भर की फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। राजधानी रायपुर के मुक्ताश मंच पर 10 से 14 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों की फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म फेस्टिवल में अर्जेंटीना के निर्देशक पाब्लो सेजार की फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम, इंग्लैंड के अवतार भोगाल की फिल्म ऑनर किलिंग प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया फिल्म फेस्टिवल में सुर्खियां बटोर चुकी फिल्म रोम रोम में जॉन स्टीनबेक रचित ऑफ माइंस एंड मेम सहित रोड टू संगम, शाहिद, हजारों ख्वाहिशें, एलेक्स हिंदुस्तानी, माई घाट केस नंबर 103 बटे 2005 जैसी विश्व प्रसिद्ध फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजक सुभाष मिश्रा ने बताया कि सुधीर मिश्रा, स्वानंद किरकिरे, अजीत राय जैसे दिग्गज भी इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर है और आयोजक से लेकर सिने कलाकार तक इसे सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। फिल्म समीक्षक अनिरुद्ध दुबे का कहना है कि आमतौर पर छत्तीसगढ़ की पहचान अन्य राज्यों में और देश के एक माओवादी प्रदेश के रूप में है। अगर फिल्म समीक्षक से लेकर आयोजकों तक का मानना है कि ऐसे बड़े आयोजन से न केवल देश में प्रदेश की ब्रांडिंग होगी, बल्कि विदेशों में भी राज्य का नाम बढ़ेगा। सरकार की ओर से भी इसकी तैयारी की जा रही है। आयोजक की माने तो ये फिल्म फेस्टिवल आदिवासी, दलित, अस्मिता और सामाजिक न्याय को समर्पित होगा, जिसमें देश विदेश के निर्माता, निर्देशक सहित कलाकार शिरकत करेंगे। 5 दिनी इस आयोजन में एक पूरा दिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए रखा गया है।